526 करोड़ रुपए के हवाई जहाज को 1600 करोड़ रुपए में क्यों खरीदा गया? ये 500 और 1600 की तुलना क्या है? बेसिक एयरक्राफ्ट का दाम 2016 की तारीख में यूपीए के दाम से 9% सस्ता था। वेपनाइज्ड एयरक्राफ्ट का दाम यूपीए के दाम से 20% सस्ता था। इफ यू नीडेड द एयरक्राफ्ट अर्जेंटली, व्हाई इज इट दैट नॉट ए सिंगल राफेल एयरक्राफ्ट हैज लैंडेड ऑन इंडियन सॉइल अंटिल टुडे? यूपीए का जो समझौता था कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट पे हस्ताक्षर करोगे तो 11 साल लगेंगे सप्लाई करने में, अगर ये 11 साल की जानकारी होती, 11 साल की जानकारी होती तो आज ये तर्क ना दिया जाता कि 2016 में हुआ, 18 तक क्यों नहीं आए 2 साल में? अरे तुमने तो 11 साल का समय दे रहे थे। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से कॉन्ट्रैक्ट छीन कर अनिल अंबानी को कैसे दिया गया? वो ऑफसेट सप्लायर है, राहुल जी मानते हैं कि वो रफाल का मैन्युफैक्चरर है। इनका ज्ञान तो एबीसी से शुरू करना पड़ेगा। Why did you give this contract to your dear friend Mr. Anil Ambani and cost the exchequer 30,000 करोड़ रुपीस? जिस कंपनी का नाम लिया गया, डसॉल्ट ने कहा हम उनसे 3 या 4% खरीदेंगे। 3 या 4% बनता है 800 करोड़। यू changed द ओल्ड डील। ये तो HAL वाला कॉन्ट्रैक्ट कि 18 वहां से आएंगे और 108 HAL बनाएगी। यूपीए ने वो कॉन्ट्रैक्ट रद्द क्यों कर दिया और उस बागेड़ क्यों नहीं बढ़ाया? यहां क्या लिखा है, 1,30,000 करोड़। 30,000 करोड़ ट्रांजैक्शन 58,000 करोड़ का है, ऑफसेट हो गए 1,30,000 करोड़ का। I would like to play a little tape recording. There is no such procedure that he can play a tape. He has to authenticate it, take a responsibility. आप उसको